हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट जंकी। इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं 6 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह के क्रिकेट कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड 2010 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ओल्ड राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात 2010 ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुई थी, जो बारबाडोस के ब्रिस्टाउन में किंगस्टन ओवल में खेला गया था और इंग्लैंड ने वह मैच जीत लिया, जिससे 35 सालों के लिमिटेड ओवर कंपटीशन में अपनी पहली ग्लोबल ट्रॉफी इंग्लैंड ने जीती। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट की शुरुआत बड़े ही निराशाजनक रूप से की, लेकिन प्रत्येक गेम के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और फाइनल में पहुंचने तक वह ऐसी टीम बन गई थी जो ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा सके। सेमीफाइनल में उन्होंने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। उस मैच में मैन ऑफ द मैच स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 21 रन देकर 2 विकेट लिए और पीटरसन ने 26 गेंदों पर नाबाद 42 रनों की शानदार पारी खेली। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल तक का सफर आसान रहा। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान के खिलाफ 191 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सईद अजमल के खिलाफ आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, तभी माइक हसी ने कदम रखा, जिन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया। 1 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर ली। फाइनल में पॉल कॉलिंगवुड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बड़ी ही खराब रही। उन्होंने 8 रन पर 3 विकेट खो दिए। डेविड वार्नर और शेन वाटसन के ओपनिंग जोड़ी फाइनल में फेल हो गई। कैप्टन माइकल क्लार्क और उनके साथी माइकल हसी ने पारी को जीवित करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नई गेंद के खिलाफ स्कोर करने में स्ट्रगल हो रहा था। 7 ओवर के बाद केवल 2 चौके ही लगे। अंत में डेविड हसी की हिटिंग ने उन्हें 147 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी ठीक ठाक हुई। इंग्लैंड ने शुरुआत में 1 विकेट खो दिया, जिसने मैच को और भी रोमांचक बना दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद क्रैक और केविन पीटरसन ने 50 रन की पार्टनरशिप कर दी। इस जोड़ी ने केवल 62 गेंदों में 100 रन की पार्टनरशिप दर्ज की, जिससे इंग्लैंड जीत के लिए बहुत ही ज्यादा करीब आ गया। आखिरकार इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की और 3 ओवर शेष थे। कीस बिटन ने 49 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया और केविन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। नंबर 5 पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। 21 जून 2009 को लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 2009 ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। यह लगातार दूसरी बार था जब दोनों फाइनलिस्ट एशियाई टीमें थीं। 2007 में फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान इस गेम में जीतना चाह रहा था। ग्रुप स्टेज में एकमात्र नाबाद टीम रही श्रीलंका के पास फाइनल तक पहुंचने के लिए बड़ा ही स्टेडी टूर्नामेंट था। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 57 रनों से हराकर अपने पहले ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक का सफर आसान नहीं रहा। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में एलिमिनेशन की कगार पर था, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ 82 रनों की जीत ने उनकी उम्मीदें कायम रखी। ट्रेंट विच में सेमीफाइनल में पाकिस्तान को टूर्नामेंट के पसंदीदा दक्षिण अफ्रीका का सामना करना पड़ा। शाहिद अफरीदी ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बल्ले से 34 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली और गेंद से उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके बदौलत पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में बैक टू बैक फाइनल में पहुंचने के लिए 7 रन से जीत दर्ज कर ली। फाइनल में टीनेजर तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने खतरनाक तिलक रत्न दिलशान को पहले ही ओवर में डक पर आउट कर दिया। अब्दुल रसाक, शाहिद अफरीदी और सईद अजमल भी जल्दी पार्टी में शामिल हो गए। कुमार संगकारा ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 64 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं था, इसीलिए टीम से 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। श्रीलंका के जवाब में पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की और कामरान अकमल ने आउट होने से पहले 48 रन जोड़े। इसके बाद मैदान पर शाहिद अफरीदी ने कदम रखा। उन्होंने 40 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेली, जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान ने अपनी पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली। तिलक रत्न दिलशान को मैन ऑफ द सीरीज जबकि शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नंबर 4 श्रीलंका वर्सेज इंडिया 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। 2014 का टूर्नामेंट बांग्लादेश में हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें 10 फुल मेंबर एंड 6 एसोसिएट मेंबर सहित 16
टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हूँ। इंडिया जो उस टूर्नामेंट में नाबाद थी, 6 अप्रैल 2014 को श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए प्रबल दावेदार लग रही थी। टूर्नामेंट में MS धोनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और सभी ओवर्स भारत के पक्ष में लग रहे थे। मैन इन ब्लू को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 173 रनों का पीछा करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। 2009 में पहले ही पाकिस्तान से फाइनल हार चुकी श्रीलंका ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में लसित मलिंगा ने टॉस जीता और भारत को ढाका की स्लो पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि उन्होंने अजिंक्य रहाणे को जल्दी खो दिया। रोहित शर्मा को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन वह उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। फिर पूरा प्रेशर विराट कोहली पर था और विराट कोहली ने वही किया जो वह अक्सर सबसे अच्छा करते हैं। दिल्ली के प्लेयर ने आगे बढ़कर श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक का सामना किया। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से अलग सरफेस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस गेम में 58 गेंदों में 77 रन बनाए थे। यहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन युवराज सिंह ने मैदान पर कदम रखा और फिर उन्होंने बड़ी ही स्लो पारी खेली। युवराज सिंह ने 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए और फिर इंडियन टीम सिर्फ 130 रन के स्कोर तक ही पहुंच सकी और ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम ने कम से कम 30-40 रन कम बनाए हैं। जवाब में श्रीलंका ने भी अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया लेकिन भारत ने कभी भी गेम पर कंट्रोल नहीं दिखाया। श्रीलंका ने बड़े ही आसानी से टारगेट का पीछा कर लिया। कुमार संगकारा के एक हाफ सेंचुरी और तिसारा परेरा के एक कैमियो ने सुनिश्चित किया कि श्रीलंका ने केवल 17.5 ओवरों में अपना टारगेट हासिल कर लिया। इस प्रोसेस में श्रीलंका दो अंतिम हार के बाद टी20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार भाग्यशाली रहा। यह कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के लिए एकदम सही विदाई थी क्योंकि श्रीलंका के दो लेजेंडों ने टूर्नामेंट के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कुमार संगकारा को फाइनल में मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया जबकि विराट कोहली ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। नंबर 3 वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका 2012 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। 2012 ICC टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच 7 अक्टूबर 2012 को कोलंबो में खेला गया था। यह टी20 वर्ल्ड कप का चौथा एडिशन था। यह दूसरी बार था जब श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए यह पहला फाइनल था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया जो ट्रॉफी के लिए फेवरेट थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार से उबरकर सेमीफाइनल में पहुंचे जहां उन्होंने पाकिस्तान को 16 रनों से हराया। हालांकि वेस्ट इंडीज की जर्नी सेमीफाइनल तक बड़े ही उतार चढ़ाव वाली रही। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला गेम हार गए और आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच बारिश से धुल गया। टीम ने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर सुपर 8 में क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ एक रीमैच में क्रिस गेल की 41 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी ने वेस्ट इंडीज को 205 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 131 रनों पर ऑल आउट हो गई। फाइनल में डेरन सैमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह एक ऐसा गेम निकला जिसमें गेंद से गेंदबाजों का दबदबा रहा। श्रीलंका ने क्रिस गेल को बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। इसके कारण वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में आ गई और उन्होंने सिर्फ 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 14 रन बनाए। ड्वेन ब्रावो ने पारी को स्थिर करने में मदद की लेकिन मार्लस सैमुअल्स ने उस फाइनल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सैमुअल्स ने 55 गेंदों में 78 रनों की बड़ी ही अच्छी पारी खेली। उसी मैच में सैमुअल्स ने सबसे लंबा छक्का 108 मीटर का लगाया। वेस्ट इंडीज ने उस दिन 137 का स्कोर बनाया और श्रीलंका को 138 रनों का टारगेट दिया। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत भी बहुत ही बेकार हुई। उन्होंने दूसरे ओवर में ही तिलक रत्न दिलशान का विकेट खो दिया। कुमार संगकारा ने पारी को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह भी आउट हो गए और फिर वहीं से पतन शुरू हुआ। नुवन कुलशेखरा ने एक छोटी लड़ाई लड़ी लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि श्रीलंका सिर्फ 18.4 ओवरों में 101 रनों पर ऑल आउट हो गई। सैमुअल्स को उनके हरपल मौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और शेन वाटसन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। नंबर 2 वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। यह एक ऐसा फाइनल है जिसे बेन स्टोक्स हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। यह 2016 ICC टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल 3 अप्रैल 2016 को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। यह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के लिए दूसरा टी20 फाइनल था और दोनों ही टीमें पहले ही एक एक टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और यह फाइनल जो भी जीतता वह मल्टीपल टाइम चैंपियन बन जाता।
किया था। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में 230 रनों का सफल रनचेज दर्ज किया। सेमीफाइनल में बेन नाबाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आए, जहां बेन स्टोक्स और क्रिस जॉर्डन ने 7 विकेट से इंग्लैंड को आसानी से जीत दिला दी और वेस्टइंडीज टीम को पूरा भरोसा अपने खिलाड़ियों पर था। वह अपने आखिरी ग्रुप गेम में अफगानिस्तान के हारने के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका सामना सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 47 गेंदों में नाबाद 89 रनों की पारी खेली और टीम को 20 ओवरों में 192 रनों के अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। गेल और सैमुअल्स दोनों वेस्टइंडीज के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए जल्दी आउट हो गए, जिससे वेस्टइंडीज को प्रेशर में लग रही थी। लेकिन आंद्रे रसेल और लैंडन सिमन ने टीम को लीड किया और यादगार जीत दिलाई। फाइनल में इंग्लैंड की शुरुआत बड़ी ही खराब हुई। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच के साथ जेसन रॉय ने सैमुअल बद्री की शुरुआती गेंद पर विकेट गंवा दिया। एलेक्स हेल्स 1 और कैप्टन इयान मॉर्गन 5 रन बनाकर तुरंत आउट हो गए। इसके बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 23 रन था और फिर जो रूट और जोस बटलर एक साथ क्रीज पर आए 36 गेंदों में 54 रन के साथ रूट ने इंग्लैंड को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की और फिर डेविड बिली के नाबाद 21 रन ने इंग्लैंड को 155 रनों के मामूली स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की भी शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही, जब जो रूट ने दूसरे ओवर में गेल सहित दो विकेट झटके। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाले लैंडन सिमंस भी गोल्डन डक पर आउट हो गए और इस तरह वेस्टइंडीज का स्कोर 11 रन पर 3 विकेट हो गया। ड्वेन ब्रावो और मार्लन सैमुअल्स ने टीम को फिर लीड किया, लेकिन इंग्लैंड विकेट लेता रहा। सैमुअल्स के साथ मिलकर कार्लोस ब्रैथवेट 8वें नंबर पर आए। टीम को 27 गेंदों में 49 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। यह वेस्टइंडीज के लिए नामुमकिन लग रहा था, तभी कार्लोस ब्रैथवेट ने अपना नाम इतिहास की किताबों में दर्ज करने का फैसला किया। बेन स्टोक्स के ओवर में पहली 4 गेंद पर लगातार 4 छक्कों के साथ टारगेट का पीछा कर लिया, इससे इंग्लैंड के फैंस को जोर का झटका लगा। मार्लन सैमुअल्स को एक बार फिर से टी20 फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया और विराट कोहली को दूसरी बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। नंबर 1 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। टूर्नामेंट के 14 साल के छोटे से इतिहास में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल सबसे यादगार फाइनल है। टीम इंडिया ने जोहान्सबर्ग में एक रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका में इनॉगरल वर्ल्ड टी20 ट्रॉफी पर कब्जा किया। उस शाम को 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन एमएस धोनी द्वारा वर्ल्ड टी20 ट्रॉफी उठाने का पल उतना ही ताजा है जितना कि देश भर के क्रिकेट फैंसों की यादों में है। यह न केवल पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, बल्कि यह दो कट्टर आर्च राइवल के बीच भी था, जिससे जीत को और भी खास बना दिया। टी20 वर्ल्ड कप खिताब तक का भारत का सफर एक कहानी की तरह था। यह एक यंग टीम थी जिसे लीड लंबे बालों वाले एमएस धोनी ने किया था। एमएस धोनी को पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के दावेदारों में नहीं गिना गया था। सेमीफाइनल में शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना करते हुए युवाओं से भरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक कड़ा मुकाबला था, जिसे पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत लिया और फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में एक मैच खेला था, जिसमें इंडिया की यादगार जीत हुई थी। भारत ने वह मैच 3-0 से बॉल आउट में जीत लिया था। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भारत के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। भारत ने तीसरे ओवर में पहला विकेट खो दिया, जब यूसुफ पठान ने गलत शॉट मारा और शोएब मलिक ने उनका कैच पकड़ लिया और फिर अगला शॉट गलत मारकर रॉबिन उथप्पा भी आउट हो गए। गौतम गंभीर, जो टूर्नामेंट में भारत के टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे, उन्होंने फाइनल में 75 रन बनाए, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें बहुत कम सपोर्ट मिला। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाकर भारत को 157 रनों के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। उमर गुल टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाजों में से एक थे और यह उन्होंने फाइनल में फिर से साबित कर दिया। उन्होंने उस मैच में 28 रन देकर 3 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान को शुरुआती झटके लगे, जब मोहम्मद हफीज पहले ओवर में आउट हो गए और कामरान अकमल भी जल्द ही गोल्डन डक पर आउट हो गए। शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी दोनों सस्ते में आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल में आ गई। लेकिन वह मिस्मा उल्लक थे जो अंत तक डटे रहे। वह सही डिलीवरी का इंतजार करते तब वह रन बनाते और फिर पाकिस्तान हार के तरफ बढ़ रही थी, जब उन्हें 24 गेंदों में
में 54 रनों की आवश्यकता थी और केवल 3 विकेट बचे थे, लेकिन मिसबा उल्लक ने 17वें ओवर में हरभजन सिंह की गेंद पर 3 छक्के जड़ दिए। इससे इंडियन टीम काफी प्रेशर में आ गई। इरफान पठान और आरपी सिंह ने 3-3 विकेट लिए, लेकिन मिसबा उल्लक को वह आउट नहीं कर पाए। एक फोटो फिनिश में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में केवल 1 विकेट के साथ 13 रन चाहिए थे। मिसबा उल्लक स्ट्राइक पर थे और पाकिस्तान को अभी भी उम्मीद थी कि वह जीत जाएंगे और एमएस धोनी ने अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जोगिंदर शर्मा को सौंप दी। शर्मा ने पहली गेंद वाइड फेंकी और फिर दूसरी गेंद फुल टॉस डाली, जिसे बल्लेबाज ने 6 रन के लिए सीधे मैदान के बाहर भेज दिया और फिर पाकिस्तान को 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। मिसबा उल्लक के क्रीज पर होने के कारण पाकिस्तान के लिए यह मिशन संभव लग रहा था और फिर पाकिस्तान के कैप्टन ने एक गलत स्कूप शॉट खेलने का फैसला किया। श्री संत ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक कैच पकड़ा। इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। फाइनल में इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच और शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।